जब आप फोकस रहोगे तो ऑटोमेटिक है कि आप वो चीज़ को फुलफिल करने के लिए आप अपनी सारे दमखम लगा दोगे। तो वही है। सबसे पहले वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे joinfilms.com। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर और आज के वीडियो में आपको बहुत कुछ अच्छी अच्छी बातें, बहुत कुछ मजेदार बातें पता चलने वाली, क्योंकि मेरे साथ हैं एक्टर प्रोड्यूसर। वैसे नॉर्मली कहते हैं कि जो प्रोड्यूसर होता है उसके ही एक्टर बनके रहना चाहिए तो अच्छा रहता है, लेकिन एक्टर जब प्रोड्यूसर बन जाता है तो क्या क्या होता है और किस तरह की बातें होती है, ये जानेंगे आज हम राहुल राज के साथ। वेलकम टू जॉइनफिल्म्स। राहुल राज, नाम तो सुना ही होगा, नाम तो सुना ही होगा, दो बार इसलिए बोलना पड़ रहा है कि दोनों ही नाम अपने आप में बहुत ज़्यादा बड़े नाम हैं। ये दो दो इतने बड़े नाम अफोर्ड कैसे करते हो आप? हाँ, अफोर्ड करना तो ऐसा है कि अच्छा लगता है, क्योंकि अगर राहुल नाम शाहरुख खान का नहीं होता तो शायद ये नाम बड़ा नहीं बनता। और शाहरुख खान से जब बड़े बन गए तो मेरा नाम भी बड़ा बन गया, सो आई एम एबल टू हैंडल इट नाउ इन अ वेरी गुड वे एंड आई एम प्राउड दैट आई हैव बोथ द नेम्स विद मी व्हिच इज अ फिल्मी नेम, बट अगेन इट स्टैंड्स लाइक अ वेरी हार्ड हिटिंग नेम एज राहुल राज सिंह, सो आई हैव बीन अप्रिशिएटेड बाय माय नेम, सो आई फील आई एम हैप्पी विद माय नेम, आई कैन हैंडल इट। तो आपने जैसा कहा राहुल, कि बड़ा फिल्मी नाम है, तो आपको लगता है आप फिल्मी हो? फुल फिल्मी हूँ मैं तो सर। मैं आपसे क्या कहूँ कि ज़िंदगी में जब स्कूल में था तब से फिल्मी हूँ, तो बाद में पता चला कि इतना फिल्मी हूँ कि मुझे यहीं आना है। मुझे मैं जब मेडिकल करने लगा, जब आई वॉज अ मेडिकल स्टूडेंट। मेडिकल स्टूडेंट देखिए, सिंसियर लोग भी एक्टर बनते हैं बाद में। सो आई नेवर न्यू, आई वॉज फ्रॉम रांची, मैं रांची से था, झारखंड से था। क्रिकेट में बड़ा शौक था, क्रिकेट खेला, धोनी के साथ क्रिकेट खेला हूँ। मतलब स्टार के साथ रहने का शुरू से ही शौक था, शुरू से स्टार बनने का शौक था, चाहे वो फुटबॉल ग्राउंड हो चाहे वो क्रिकेट ग्राउंड हो, फुटबॉल भी खेला। सो आई बीन लाइक इन टू आउटडोर्स मोर इन टू थिंग। फिर मैं मुझे फिल्मी, जहाँ तक आपका सवाल फिल्मी का है, सो मुझे हमेशा अच्छा लगता था अगर कोई लड़की भी पसंद आए तो यू नो फिल्मी स्टाइल में उसे मिलना, बैंड बंडाना बांध के फुटबॉल खेलना। सो आई हैव ऑलवेज बीन फिल्मी, और ये सारी चीज़ें हकीकत में तब संपूर्ण हो सकती थी जब ये फिल्म इंडस्ट्री मैंने ज्वाइन किया, तो मुझे लगा कि नहीं भाई, दिस इज़ द प्लेस यू हैव टू बी। और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड इनिशियली आई गॉट अ गुड रिस्पॉन्स फ्रॉम दिस इंडस्ट्री एंड आई फील दिस It's a place where I'm going to make a mark for myself and for my friends and family, whoever is supporting me from my good times to hard times. I really want to thank everyone in this interview that कि आज मैं यहाँ बैठ के बहुत दिनों के बाद एक इंटरव्यू दे रहा हूँ मैं। तो खुद के लिए तो राहुल फिल्मी होना बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा सिनेमैटिक लगता है, लेकिन जब घर वालों को पता चलता है, बाकी लोगों को पता चलता है कि ये बड़ा फिल्मी हो रहा है, तो लोग घबरा जाते हैं। ऐसा हुआ था आपके साथ? डैड तो नहीं, पर रिश्तेदार लोग बहुत निंदा करते थे कि देखो ये लड़का हाथ से जा रहा है, ये हाथ से जा रहा है और ऐसे संभाल लो, ये क्या फिल्म इनकी बातें करता है, और देखो कितना फिल्मी है, बाइक स्टाइल में चलाता है। उसके बाद अफवाह एक ऐसा चीज़ है जो मेरे साथ जिंदगी भर इसका ताल्लुक रहा है। जब मैं क्लास 8 से था, जब ये समझने लगा कि लोग झूठ बोलते हैं, मतलब मैं इसको सोचता था कि झूठ बोल रहे हैं, ज़बरदस्ती कंप्लेन करना कि यू नो कि उस लड़की के साथ देखा गया, उस लड़की के साथ देखा गया, और ये आज तक ये सिलसिला चालू है। बट गुड, मैं लड़की के साथ हूँ, लड़के के साथ नहीं हूँ, यही ये भी ठीक है, ये यही ठीक है ना। सो ये बायोलॉजिकली भी ठीक है, लॉजिकली भी ठीक है, और सोसाइटी वाइज भी ठीक है। तो राहुल, आपने जब फिल्मी बनने का फैसला कर लिया, मुंबई में आ गए, तो शुरुआत कैसे रही? सर, मुंबई से पहले मैंने कलकत्ता से अपना करियर शुरू किया। ओके। और कलकत्ता में मैं कॉन्टेस्ट जीता था, सुपर मॉडल ऑफ द ईयर। ओके, वो इस बात को 2003 में, और वो वहाँ का सबसे बड़ा कॉन्टेस्ट माना जाता था। तो और मुझे एज ए मॉडल, एक रैम्पेज वॉज इन मॉडलिंग एजेंसी, वन ऑफ द बेस्ट मॉडलिंग एजेंसीज इन कोलकाता, जहाँ बिपाशा, सलीना, कोयना, ऑल दिस नेम्स व्हाट यू सी इन टुडेस बॉलीवुड इंडस्ट्री, इट इज दे हैव वॉक्ड द रैंप ऑन फॉर रैम्पेज, एंड इट वॉज अ बिग प्लेटफॉर्म फॉर न्यू कमर टू कम एंड गेट अ मॉडल, और आप रैम्पेज के मॉडल हो, तो एक अलग हमारा वो था। और उस वक्त मॉडलिंग का एक अलग स्टैंडर्ड था, इट इज़ लाइक कि भाई आप रैम्पेज के मॉडल हो तो आपके अंदर कुछ बात होगी। राइट राइट। सो वहाँ से मुझे एक बहुत पुश मिला और सपोर्ट मिला मेरे मोरल का कि नहीं तू कुछ कर सकता है। एक साल वो सिलसिला चला, फिर मैंने काफ़ी सारे लोगों के साथ शूटिंग किया वहाँ पे, कोयना के साथ शूटिंग किया उस समय, उस वक्त रेशमी घोष वो मिस इंडिया जीत के आई थी, तो हम सब मॉडल्स थे रैम्पेज के जो उसको वेलकम किया कलकत्ता से, शी वन फिर मैंने मिस इंडिया। फिर बॉम्बे आया तो बॉम्बे में मैं ग्रैसम मिस्टर इंडिया बन गया। ओह ग्रेट।
सो वो एक और एक अचीवमेंट था, इतना बड़ा स्टेज शेयर करना. करण जौहर वॉज वन ऑफ द जजेस आउट देयर, पद्मिनी कोल्हापुरी जी थी. एक बहुत बड़ा स्टेज था उस वक्त, और ग्रासिम 10th ग्रासिम मिस्टर इंडिया था. उसके बाद ये सिलसिला मुझे बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मुझे मिलता गया और मैं करता गया. आई वॉज अ हार्ड वर्किंग गाय, आई वॉज अ स्मार्ट वर्किंग गाय. आई ऑलवेज बिलीव्ड इन की चीज़ जब मिलना हो तब मिलता है. आप वर्क करते रहिए उसके पीछे. गीता में लिखा कर्म किए जा फल की चिंता ना कर. तो हम इम्प्लीमेंट भी करा उसको. जी जी जी. ओके ओके. लेकिन एक्टिंग में कैसे पहला आपको जाना? पहला एक्टिंग था मेरा, मनोज अग्रवाल वॉज अ डायरेक्टर. उन्होंने एक फिल्म बनाई थी गोविंदा रानी मुखर्जी को लेके, हद कर दी आपने. राइट. ये बात है 2009 एंड आई डिड दैट फिल्म. एक मैं एक तुम. अनफॉर्चुनेटली लाइक फॉर मी एंड फॉर द एंटायर टीम ऑफ एक मैं एक तुम, इट डिड नॉट गेट अ वेल रिलीज एंड इट वाज नॉट दैट. फिल्म अच्छी थी, गाने अच्छे थे फिल्म के, हम लोग ने शूटिंग बहुत अच्छी मेहनत से की थी, बट अनफॉर्चुनेटली वो फिल्म नहीं चल पाई. और रिलीज हुई बट प्रॉपर समझ में नहीं आया बिकॉज दे वर न्यू. फिर मैंने एक टेलीविजन शो किया, मुझे टेलीविजन में मौका मिला. स्वास्तिक पिक्चर्स, जो आज सारे बड़े बड़े जितने आप शोज हैं सब स्वास्तिक पिक्चर्स के हैं. तो उनका पहला शो अंबर थरा, आई वॉज द लीड. एंड आई वॉज द फर्स्ट ब्लाइंड हीरो इन इंडियन टेलीविजन. आई प्लेड अ ब्लाइंड हीरो. सो दैट शो डिड वेरी वेल. और मुझे एक एक्सपीरियंस मिला कि टेलीविजन एंड फिल्म बेसिकली एक दो अलग मीडियम है काम करने का, अलग तरीका होता है काम करने का. इमीडिएट अंबर धरा के बाद मुझे माता की चौकी वाज ऑफर्ड. इट वाज फॉर सहारा वन. अगेन इट डिड वेरी वेल. स्वास्तिक अगेन स्वास्तिक. फिर टेलीविजन करते करते मैं बहुत एक जगह स्टैग्नेंट नहीं हो सकता इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिविटी. दैट पॉइंट ऑफ टाइम एक जैसे शोज बन रहे थे. फिर मैंने एक शो किया क्रिएटिव आई के लिए, गणेश लीला. आई हैव लर्नड अ लॉट स्टेइंग विद स्वास्तिक पिक्चर की प्रोडक्शन कैसे होता है और व्हाई नॉट ट्राई एज अ प्रोड्यूसर. अपना खुद का बैंक बैलेंस हो गया था काम करके. तो रिस्क हम अपने पैसे का ही लेंगे, किसी और का तो नहीं लेंगे. तो मतलब एक्टर ने इतना कमा लिया था कि प्रोड्यूसर बन सकता था. हाँ, बन सकता था. और प्रोड्यूसर बनने के लिए सिर्फ पैसे नहीं, आपको एक्सपीरियंस भी. यू शुड नो हाउ टू वर्क ऑन ए क्रिएटिव. देखिए आज क्या, हमेशा से कंटेंट चला है. सो यू हैव टू हैव दैट आई, कौन सा कंटेंट अच्छा है, कौन सा कंटेंट काम करेगा और वाइस वर्सा. राइट. सो देन आई बिकम अ टेलीविजन प्रोड्यूसर. फिर मैंने क्रिकेट का शौक था तो आई मेड माई ओन क्रिकेट टीम कॉल्ड युवा टाइगर क्रिकेट अकेडमी क्रिकेट क्लब. विनोद कामली, संजय मांजरेकर, सलीलम कोला, दीज आर द नेम्स हु प्लेड फॉर माई क्रिकेट टीम. आई वॉज अ ओनर ऑफ द क्रिकेट टीम. ओके, तो क्रिकेट टीम भी. देखिए क्रिकेट का शौक अधूरा रह गया था रांची में. मेडिकल करने पापा लोग बोल दिए बहुत फिल्मी बन रहा, जैसे आपने शुरू किया कि बहुत फिल्मी बन रहा है ये. देन आई केम टू बैक बिहाइंड द कैमरा, वर्क विद प्रोजेक्ट्स, बिग प्रोजेक्ट्स विद रिलायंस एंटरटेनमेंट टू नो व्हाट इज फिल्म ऑल अबाउट. ये फिल्म बनती है, बनने के बाद क्या होती है. तो बन गई, चलो ये डायरेक्टर है, ये राइटर है, ये कैमरामैन है, ये सेट है, ये तो हो गया. अब इसके बाद क्या, ये तो ऐसा तो है नहीं कि कोई पर्टिकुलर एक चीज़ है कि जो रास्ते में खड़े हो जाओ और कोई आके पसंद करेगा तो खरीद लेगा. सो ये पब्लिक जाना है, पब्लिक तक जाना. हाँ, पब्लिक तक जाना है. वो प्रोसेस को जानने के लिए मैंने 4-5 साल अपनी ज़िंदगी का दिया कि आई एग्जैक्टली नो व्हेन आई एम गोइंग टू प्रोड्यूस अ फिल्म और समथिंग लाइक दैट. आई शुड नो द बिजनेस, एग्जैक्ट बिजनेस क्या है. नॉट, और मुझे हमेशा शौक है कि मेरा जो सोच है वो मैक्सिमम लोगों तक पहुँचे जब मैं फिल्म प्रोड्यूस करूँगा, जब फिल्मों में एक्टिंग करूँगा. सो इसीलिए मैंने अपना 4-5 साल ये सीखने में दिया. और भगवान को शुक्रिया करूँगा, मेरे दोस्तों को शुक्रिया करूँगा. मैंने अच्छे लोगों के साथ काम किया जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में UTV के साथ काम किया है, जो 700-800 फिल्में डिस्ट्रीब्यूट करे हैं आज तक. सो आई वुड लाइक टू थैंक एवरीवन. और मैंने सीखा. ओके. तो राहुल, हम लोग पहले ही बात करें तो अभी भी कहूँगा कि मैं हमेशा से कहता रहता हूँ आपसे वीडियो में कि स्ट्रगल जैसा कुछ नहीं होता. स्ट्रगल तभी होती जब आपको कुछ पता नहीं होता, कुछ मालूम नहीं होता, कुछ जानकारी नहीं होती. और तो आपने वाकई स्ट्रगल किया या स्ट्रगल होता है इस इंडस्ट्री में, क्योंकि ये वर्ड मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है. मुझे भी नहीं है पसंद. मैं इस बात से इनकार करता हूँ कि ये वर्ड इंडस्ट्री से हमारा निकाल दो.
क्योंकि हमारी इंडस्ट्री को ये नेगेटिव दे रहा है, नेगेटिव वर्ड ही नेगेटिव अप्रोच दे रहा है, बोलो संघर्ष कर रहे हैं, हम संघर्ष कर रहे हैं। आपसे कुछ वक्त पहले जो आप बोल रहे थे कि जो अटेम्प्ट कर रहे हैं ट्राई कर पढ़ के जो इंजीनियरिंग करने जा रहा है, वो तो कभी बोलता नहीं कि मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ इंजीनियरिंग का, कोई नौकरी मिल जाए, वो बोलता है भाई इंटरव्यू दे रहा हूँ। right. तो हम क्यों नहीं बोलते कि हम इंटरव्यू देने गए थे या ऑडिशन देने गए थे, हम भाई ऑडिशन दे रहा हूँ, लुक टेस्ट दे रहा हूँ, हम स्ट्रगल कर रहे हैं। hmm. ये स्ट्रगलर है ये वर्ड ही नेगेटिव है, आई डोंट लाइक दिस वर्ड। और जिंदगी में मैंने कभी ये बात पे विश्वास नहीं किया कि देखिए आप अगर सुबह उठते हैं तो आपको संघर्ष करना है, आपको अपने ड्रीम्स को फॉलो करना है, फोकस आपको अगर तो आप पार्टी भी करने जा रहे हो तो भी आप संघर्ष करके अपने गाड़ी में बैठ रहे हो, तैयार ट्रैफिक से जा रहे हो, तो वो तो आपका एक प्रोसेस है। ये स्ट्रगल वर्ड जो भी मेरा इंटरव्यू सुन रहे हैं और देख रहे हैं, आप कभी अपने मन में नहीं लाइए कि आप एक स्ट्रगलर हो, आप एक संघर्ष करने के लिए मजबूती के साथ खड़े हो, सुबह उठे हो, अपने ड्रीम्स को अप्रोच कर रहे हो, हम अपने गोल को अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उसमें एक मजा लेना चाहिए, अचीवमेंट वाला होना चाहिए, एडवेंचर वाला, जो भी चीज नहीं होता है ना अगर, वो तो एक्सपीरियंस होता है आपको, क्योंकि कल नहीं तो परसों आपको होगा, अगर आप रहेंगे मैदान में तो आपको वो मिलेगा। हर 11 का 11 खिलाड़ी क्रिकेट में फील्डिंग करने उतरता है, सबके पास कैच नहीं आता, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं मुझे यहाँ क्यों खड़ा कर दिया गया, आपके पास भी आएगा जब आपके पास भी आएगा। तो राहुल आप पहले एक्टर थे, अब आप प्रोड्यूसर बन गए, तो क्या कुछ सोच में बदलाव आया है, समझ में बदलाव आया है? बहुत बदलाव आया है। जब मैं एक्टर था थोड़े प्रोड्यूसर्स को परेशान करता था टाइम से नहीं जाता था, टाइम पूरा हो जाता था तो निकल जाता था। तो अब दिस वाज द रीजन आई वांटेड टू बी अ प्रोड्यूसर, दिस वाज द रीजन आई वांटेड टू बी अ प्रोड्यूसर, आई वांटेड टू नो द अदर साइड ऑफ द स्टोरी कि अगर कोई ऐसा करता है तो उसे कैसे फील होता है या कैसे मैनेज होता है, ये टोटल फैकल्टी को मैनेज कैसे किया जाता है। ऑफ कोर्स मैंने सीखा, आई बिकेम अ बेटर पर्सन आफ्टर बिकमिंग अ प्रोड्यूसर, आई एम वर्किंग विद पीपल हु हैव वर्क्ड एज एन एक्टर, सो बिकॉज इट इज मोर कंफर्टेबल फॉर मी कि मैं वो स्पॉट बॉय तक को मैंने बोला है कि जो मेरी प्रोडक्शन होगी यू आर गोइंग टू बी देयर, सो आई हैव बीन गुड टू देम, अनफॉर्चुनेटली आई हैव बीन नॉट गुड टू गुड टू द प्रोड्यूसर्स, but now after become a producer I have learned that and next time whenever I am not going to be bad okay. to anyone. जब कभी एक एक्टर प्रोड्यूसर बन जाता है उसकी सोच में बदलाव आ जाता है जैसा आपने बोला रहा हूँ, तो अब जब आप कास्टिंग करोगे जी तो कास्टिंग का आपका जो तरीका होगा जो नजरिया होगा वो क्या होगा कि मुझे बेस्ट एक्टर चाहिए या मुझे दोस्त चाहिए, क्योंकि लोग सोचते हैं कि नेपोटिज्म चलता है, जान पहचान चलती है, जैसे ही आप प्रोड्यूसर बने तो क्या आप कास्ट एज पर रिक्वायरमेंट करोगे या फिर? देखिए मैं एक बात सच बोलना चाहता हूँ, देखिए अप्रोचेस तो होती है, लोग अप्रोच करते हैं कि भाई फिल्म बना रहे हो देख लो, अगर कोई अप्रोचेस तो आपको माननी पड़ती है क्योंकि आप भी कभी ना कभी उनके अप्रोच का आप किए होंगे। बट इस केस में, इन दिस केस मैंने ये जो मैं फिल्म प्रोड्यूस करूँगा, ऑफकोर्स टैलेंट सबसे पहले है कि आप जो सर्टन कैरेक्टर, जो कैरेक्टर समझ लीजिए, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि अगर कोई लड़की है उसका कैरेक्टर है वो साउथ इंडियन है और वो साउथ इंडियन स्टाइल में बात करती है, उसका एक्सेंट साउथ इंडियन है और खामोश रहती है, तो एक पर्टिकुलर लड़की वैसी दिखनी चाहिए। फिर हम जो उस कैरेक्टर को नहीं भाएगा, ये नुकसान उस अप्रोच के लिए भी है कि वो एक फिल्म के बाद बोलते हैं कास्टिंग प्रॉपर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और पब्लिक एक्सेप्ट नहीं करेगी, पब्लिक एक्सेप्ट नहीं करेगी आपको। सो आई विल डेफिनेटली मेरे प्रोडक्शन में टैलेंट इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग एंड अप्रोच का जहाँ तक, अगर कोई अप्रोच है और वो बेटर है एंड वो है तो लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, टैलेंट भी है अप्रोच भी है तो ठीक है। आप क्या करोगे, ऋषि कपूर का बेटा रणबीर कपूर फिल्म इंडस्ट्री से ज़्यादा लुक्रेटिव इंडस्ट्री और कोई नहीं है, 200 करोड़ 300 करोड़ 400 करोड़ कौन से बिजनेस में आप सुनते हो राइट कि 6 महीने में 300 करोड़ कमा लिए, 400 करोड़, आई डोंट नो द नंबर्स, आई डेफिनेटली डोंट नो द नंबर्स, बट जो हम सुनते हैं हम बोलेंगे राइट राइट कि भाई, तो अब उस ऋषि कपूर का बेटा क्या करेगा आप बताओ ना, इससे अच्छा कोई लुक्रेटिव बिजनेस है नहीं है ना, तो वो आया। बट रणवीर के पास टैलेंट है, टैलेंट है और वो टैलेंट को बहुत मेहनत करना पड़ता है, टैलेंट को आपको सस्टेन करने के लिए आपको रेगुलर बेसिस पे आता है। सही बात है, अगर वो सस्टेन कर रहे हैं उनका टैलेंट है, ऐसे बहुत सारे स्टार किड्स हैं जो सस्टेन नहीं कर पाए, तो वो भी सच्चाई है अपने आप में, मौका मिलना अलग बात है लेकिन उसको मंजिल तक पहुंचाना एक अलग बात है, बहुत अलग बात है। ओके, तो अभी आप एक्टर थे प्रोड्यूसर बन गए, और क्या क्या बनने का इरादा है और तैयारी है? बाद में मैं डिस्ट्रीब्यूशन करूंगा, अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन करूँगा, कई सारी फिल्में बनाऊँगा और मेरे स्टेट को झारखंड को जहाँ से मैं हूँ वहाँ फिल्म इंडस्ट्री को लेके जाऊँगा, ओके, बिकॉज़
it's a beautiful place where you can actually have beautiful locations. Film aur jaise film mein main banana chahta hu, main tension free film mein banana chahta hu. I want to make when they buy tickets 100 rupaya 200 rupaya jitne bhi ticket khareede wo ek realistic realism se nikle, kyunki itna zyada life real hai na, aap apne life se hi aadmi bahut zyada pareshan hai aur realism rahega par hum us aspect of life ko dikhayenge hamari filmon mein. जो एस्पेक्ट देख के आदमी जैसे बोलते हैं ना, स्कूल में था, जब कॉलेज में था, तो बोलते हैं दोज डेज, अ ब्यूटीफुल फिल्म मेड ऑन अ कॉलेज डे, अ ब्यूटीफुल फिल्म मेड ऑन समथिंग. जब आप बैचलर होते हो तो आप कैसे होते हो शादी से पहले का, जो जैसे अमेरिकन पाई है, आपने देखा है अमेरिकन पाई सीरीज होता है. आई वॉन्ट टू गो इन टू दैट यूथ जॉनर, माई प्रोडक्शन सब्जेक्ट्स इन विच वी आर वर्किंग ऑन अ वेरी लाइवली, गुड म्यूजिक इन द फिल्म, गुड कॉस्ट्यूम, गुड ड्रेसेज. So my thing will be like that. Okay, Rahul, आप झारखंड से आए हो जी, इस इंडस्ट्री में आप सक्सेसफुल हो, आपको जो चाहिए था आपने वो मुकाम भी बनाया. तो कई बार ऐसा मन में आता है, खासतौर से खुद लोगों के मन में, उनके माँ बाप के मन में भी आता है कि यार हमारा उस शहर में कोई नहीं है, हम किसी को नहीं जानते, हम छोटे शहर से बिलोंग करते हैं, कोई सरकारी नौकरी कर लेते हैं, कुछ छोटा मोटा काम कर लेते हैं, फिल्म इंडस्ट्री हमारे बस का रोग नहीं है. उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? देखिए सर, मैं आपको बात बताता हूँ, इसमें ना बहुत ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस चाहिए अपने ऊपर, अपने ऊपर. एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, शायद मैंने कभी किसी इंटरव्यू में नहीं बताया है. बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, आप सब लोग उनका नाम जानते हैं, अनुराग बासु जी. वो हमारे रिलेटिव लगते हैं, अनुराग बासु ही इज़ माई ओन फर्स्ट रिलेटिव. उनसे अच्छा तो इंडस्ट्री को कोई नहीं जानता, वो शायद एवरीबडी किसी को भी फ़ोन कर देते, एवरीबडी विल अंडरस्टैंड. और जब मैं बॉम्बे आया था एक बहुत बड़ी बात है जो ये भी मैंने कभी किसी को नहीं बोला, एक बहुत पुराने एक्टर थे उत्पल दत्त जी, अभी नहीं रहे जी, कमाल के एक्टर, बहुत बड़े. उनकी वाइफ ने चिट्ठी लिख के दिया था जब मैं आ रहा था बॉम्बे, और चिट्ठी लिख के दिया गया था ऋषिकेश मुखर्जी को और वासु चैटर्जी को कि मेरा बेटे जैसा कोई आ रहा है, आप कृपया करके गाइडलाइंस दे देना. जब मैं वो चिट्ठी लेके गया, उन्होंने पढ़ा, मुझे बैठाया, मुझे प्रेरणा मिली वो पोस्टर देख के. अब डिपेंड करता है कि आप कहाँ से प्रेरणा लेते हो. आपको प्रेरणा लेना बहुत ज़रूरी है कि जब मैंने वहाँ देखा तो उन्होंने कुछ ऐसा कुछ बोला कि अमित जी के बारे में बोला कि बंगाली में बोला कि तो ही तो उम्मीद रे, तो उन्होंने बोला कि थैंक यू. एंड इट वाज नॉट अ फेक थिंग बिकॉज आई वाज टॉल, आई एम टॉल, एंड आई एंटर्ड लाइक दैट एंड पीपल लुक्ड अप टू मी कि हाँ नहीं कोई आया है. सो वो कॉन्फिडेंस और वो प्रेरणा मुझे वहाँ से मिला. तो 3-4 साल तक तो वही फोटोग्राफ्स मेरा प्रेरणा था सर. ओके, आई वाज सो पॉजिटिव इन टू माई अप्रोच. देखिए सबसे पहले मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, सबको बोलना चाहता हूँ, अप्रोच आपको आपका सही होना बहुत ज़रूरी है, अप्रोच. एंड अगर आप अप्रोच सही करते हो तो आप सही जगह सही वक्त पहुँच भी जाते हो. पॉजिटिव माइंड के साथ अगर आप फिल्म इंडस्ट्री छोड़ो, कहीं भी आप अप्रोच और पॉजिटिविटी रखोगे. अभी तो डिजिटल मार्केट इतना बढ़ गया है, अपॉर्चुनिटीज बहुत हो गया है, थोड़ा सा अगर करेक्ट हो जाओ तो आप सक्सेस हो जाएगा. राइट. तो अनुराग बासु जी ने क्या आपको गाइडलाइन दी थी ताकि आपको ठीक से मेहनत करो, एक्टिंग सीखो, मेरे से मिलते रहो. उस वक्त वो साया बना रहे थे जॉन के साथ. ओके, साया जो साया आई थी, तारा शर्मा. गाने बहुत अच्छे थे. बहुत कम लोगों को मालूम है कि उस फिल्म में पहले जो है कटरीना कैफ का चयन हुआ था, लेकिन हिंदी सही नहीं आने की वजह से उनका चयन नहीं हो पाया, और फिर बाद में तारा शर्मा ने वो फिल्म की, मैंने फिर लिया ना वो दूसरी फिल्म में लिया. हाँ, लेकिन ये चलता है, मतलब इसका मतलब ये नहीं होता कोई परमानेंट रिजेक्ट हो जाता है, उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए होता है. अब एक्टर को एक्टिंग स्किल के अलावा क्या कभी कभी विल पावर की, इंस्पिरेशन की, या कुछ अलग एटीट्यूड की, या अलग तरह के माइंडसेट की भी जरूरत पड़ती है? अगर हम रात को पार्टी में गए हैं तो 12:30 बज गया, 1 बज गया या 3 बज गया, वो नेक्स्ट डे का जो फोकस है वो फोकस नहीं टूटना चाहिए पार्टी की वजह से या किसी भी चीज़ किसी की चीज़ के वजह से. देखिए पार्टी तो ऐसा चीज़ है कि आप 4 आदमी से मिलते हो और आपका कनेक्शन बढ़ता है, पर आपका फोकस फिल्म इंडस्ट्री के अंदर आपका फोकस ही आपका विल पावर है. आपका फोकस जब आप फोकस रहोगे तो ऑटोमेटिक है कि आप वो चीज़ को फुलफिल करने के लिए आप अपनी सारे दमखम लगा दोगे. तो वही है. थैंक यू राहुल, थैंक यू वेरी मच. तो ये थे राहुल राज
जिन्होंने आज के वीडियो में बहुत सारी बातें बताई, उसमें से खास बात को कंक्लूड कर देता हूं मैं आप लोगों के लिए। पहली बात ये कि आपकी अप्रोच बहुत क्लियर होनी चाहिए, अप्रोच बहुत अच्छी होनी चाहिए। जल्दबाजी में फैसला न लें, लेकिन जल्दी से अप्रोच को सही कर लें, क्योंकि सही वक्त पर सही जगह पहुंचेंगे तो सही जगह पहुंच पाएंगे जहां पर आप पहुंचना चाहते हैं। दूसरी बात है, इंस्पिरेशन लेना बहुत ज़रूरी है। इंस्पिरेशन लेने के लिए आपको कोशिश करनी पड़ेगी, कोई बाहर का आके आपको इंस्पायर नहीं करेगा, आपको करना पड़ेगा खुद के लिए तैयारी। दूसरी बात ये कि आपका जो माइंडसेट है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, एकदम फोकस्ड होना चाहिए, तभी आप इस फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं। और इस फील्ड में एक्सप्लोर करने के लिए बहुत कुछ है। आप एक्टर के बाद प्रोड्यूसर बन सकते हैं, जैसे वो बन गए। इसमें बहुत बड़ी बात यह है कि दूसरे प्रोफाइल्स में आप अपने प्रमोशन के लिए वेट करते हैं कि कोई दूसरा प्रमोट करेगा, लेकिन यहाँ पर आपका प्रमोशन आपके हाथ में, आप जितना सीखेंगे, जैसा उन्होंने कहा कि मैंने लर्न किया, समझा, सीखा और उसके बाद प्रोड्यूसर बना, तो ये आपके हाथ में है कि आप कितना एक्सप्लोर करना चाहते हैं, कितना आगे बढ़ना चाहते हैं। जॉइन फिल्म्स में और भी बहुत सारे वीडियो अवेलेबल हैं जिनसे कि आपको प्रॉपर प्रोफेशनल गाइडेंस मिलेगी। भले ही आप एक्टर बनना चाहते हो, राइटर बनना चाहते हो, फिल्म मेकर बनना चाहते हो, सिंगर बनना चाहते हो, आपको हर तरह के इस पर वीडियो मिलेंगे, भले वो फेक ऑडिशन पे हो, कि ऑडिशन कैसे देने चाहिए इस पर भी डिटेल वीडियो अवेलेबल है। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।